भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर हैं। वो यात्रा के दूसरे दिन ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम में आयोजित अनुष्ठान में शामिल हुए। अनुष्ठान के बाद विराट कोहली के परिवार ने भंडारा कर संतों को भोजन कराया। इसके बाद उन्होंने वस्त्र और दक्षिणा भेंट कर संतों का आशीर्वाद लिया। कैमरा बंद कर लीजिए। हमें रुकेगा नहीं रुकेंगे, चले जाएंगे। चले जाएंगे। इस मौके पर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार और स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना भी दयानंद आश्रम में विराट और अनुष्का से मिलने पहुंचे। इस दौरान आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल तैनात किए गए। चार धाम के लिए क्या खास है? चार धाम अभी तो वही पिछले साल का पैटर्न ही वहाँ प्लानिंग है, बाकी डिटेल्स अभी खुलना नहीं होंगी, जब होंगी तो आपको बताएंगे। जैसे पिछली बार कुछ ना कुछ उस तरह का जरूरी है। जो से मैडम थोड़ी चुनौती है, लोग अफवाह फैला रहे हैं, उसको लिए कोई कार्रवाई करी जाएगी? जो अफवाह फैलाएगा सोशल मीडिया, ऑब्वियसली जो किसी भी तरह से प्रोवोकेशन करता है, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, समाज के लिए ठीक नहीं है। जो भी कानून व्यवस्था को लोग प्रभावित करते हैं वो गलत करते हैं, इसलिए एक आपदा है, उसको हम सबको मिल करके निपटना है और सरकार अपनी ओर से पूरे प्रयास करें। ठीक है। आपको बता दें कि विराट और अनुष्का के आगमन के बाद स्वामी दयानंद आश्रम के आसपास प्रशंसकों की संख्या बढ़ने लगी, जिसको देखते हुए यहां पर आश्रम के सुरक्षा गार्ड सहित पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऋषिकेश से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।